मैं बैतूल आया हूँ, मेरी पुरानी कर्म भूमि है। और पुलिस विभाग में एक सबसे खूबसूरत लम्हा होता है पेशी, और कहीं भी कोई रहे कितने भी किलोमीटर दूर चला जाए उसको नोटिस समन्स जाते हैं, उसको दौड़ के आना पड़ता है। तो आज हमारे एक दोस्त हैं सुनील द्विवेदी जी, उनके यहाँ घर पे आए थे, तो उनकी मैडम है, उनने बड़ा अच्छा नाश्ता रखा है, देख कर बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे में थोड़ा सागौन की तरह हूँ, ज़्यादा बरगद की तरह नहीं अभी फैला। तो आप बताइए इस नाश्ते का क्या उपयोगिता है, क्या मतलब न्यूट्रिशंस है, क्या फ़ायदे हैं? चलिए, जैसा भाई साहब ने कहा कि वो सागौन की तरह है, बरगद की तरह नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वो हमेशा सागौन की तरह रहें। तो उसको मेंटेन थैंक यू। करने के लिए हमने कुछ ऐसे नाश्ते उनको आज किए हैं, उनके सामने रखे हैं कि जो उनके सेहत को, और क्योंकि पुलिस की नौकरी ऐसे ही, उसमें छुट्टी तो रहती नहीं और पूरे समय उनको लगे रहना पड़ता है, संडे की भी छुट्टी नहीं मिल पाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज हमने जो उनको नाश्ता दिया है उसमें सारे न्यूट्रिशन वैल्यू हमने रखे हुए हैं। तो ये सबसे पहले हैं, ये मेथी, अंकुरित की हुई मेथी है। वैसे तो मेथी हमारे जो वात के गुण है उसको बैलेंस करती है, और सर्दियों में विशेषकर मेथी खाना चाहिए। और मेथी वैसे खाना मुश्किल होता है, लेकिन हम भिगा कर और अंकुरित कर कर खाते हैं तो उसकी जो मुझे पौष्टिक क्षमता वो है वो बहुत ज़्यादा। तो चंदामृत मैं, की तरह मैं हाँ, खाऊंगा तो पहले इसको। मैं भैया को मेथी दे रही हूँ और ये हाँ पहले मेथी ले रहे हैं स्वास्थ्य रहने के लिए। उसके बाद ओके। थोड़ा हमने ये भिगोया था कड़वी है गेहूँ। लेकिन बड़ी, कहते हैं ना दवा हमेशा कड़वी थोड़ी होती है, ऐसी दवा है, हाँ, लेकिन अंकुरित करने के बाद कम भैया कड़वी है, बहुत कम अच्छी है, कड़वी अच्छी लग और रही है। खाने में स्वादिष्ट लगती है। ये मूंग है, इसे हमने अंकुरित किया है और थोड़ा सा स्टीम कुक कर लिया है। ये जो सभी चीज़ें हैं, मूंग है और मोठ है, ऐसे ही चना है, तो मूंगफली भीगी हुई है उसको इसको हमने बॉईल बनाइए ना, कर लिया कैसे है, खाना हाँ है आपका बॉईल कर लिया वेजिटेबल? है, और मटर है। और इसको हमने सभी चीज़ों को स्टीम कुक कर लिया है, क्योंकि वैसे अगर प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से देखा जाए तो ये लाइव फूड है, इनको ऐसा खाना चाहिए, लेकिन आयुर्वेदिक की दृष्टि से ऐसा है कि इनका अग्नि संस्कार कर लेना चाहिए, जिससे ये पाचन में अच्छे रहते हैं और जल्दी से पच जाते हैं। कई बार किसी की पाचन क्षमता कम रहती है, तो इसको भी हमने ध्यान में रखते हुए इनको स्टीम कुक कर लिया, बिल्कुल 5-5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, स्टीम कुक कर लिया। अब हम इसे तैयार करते हैं। कैसे करना है हमें, मेथी बिल्कुल हो हमने गया। पहले भैया को खिला दिया है, उसके बाद थोड़ा सा हमने मूंग लिया है, थोड़ा ही थोड़ा लेना, ज्यादा हाँ नहीं। थोड़ा, ये थोड़ी सी आजकल सर्दियों में मटर की बहार है तो हमने थोड़ा सा मटर लिया है, सस्ता भी होगा। सस्ता भी है। तो इसे भी स्टीम कुक किया है, ये किसी को भी हमने बॉईल नहीं किया है, बस मूंगफली थोड़ी सी बॉईल की है ताकि ये भी पाचन की दृष्टि से अच्छी रहे। उबालने में और स्टीम कुक में ये अंतर है जो गांव के लोग भाप में मतलब पकाया ऐसी हाँ जी, ना। एक भगोने में हमने पानी रख लिया, ऊपर जाली रख लिया, और उसके बाद ये अंकुरित वाली चीज़ें रख ली। तो ये स्टीम कुक यानी भाप में पकाना हो गया, ये इसे ये मोट है। उसके ये बाद सब इनके बीच में अनार क्यों डाल रहे हैं आप, मीठापन ये, कहाँ जा रहा है? हाँ, ये अनार इसके स्वाद को बढ़ाता है और इसकी पौष्टिकता अच्छा। जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, स्वाद भी अच्छा आता है। और एक फलों का भी अंश आ जाए, फल सब्जियां पूरी बैलेंस डाइट हो जाए। अगर आप दिन भर ये सुबह एक कटोरी खा लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तेज भूख नहीं लगेगी और बहुत ज़्यादा अनाज पेट पर नहीं जाएगा। ये टमाटर डाला हमने बारीक काटा हुआ, और ये थोड़ा सा आरोग्य नंबर आरोग्य नमक है ये, अच्छा, मतलब बिना रोगी रोग का हाँ, नमक। नमक कम खाना चाहिए, इस दृष्टि से हमने अब इसमें मिला के आरोग्य मेरे को नमक डाला खिलाइए। जी। ये प्याज में भी हमने पालक डाला हुआ है, अच्छा हरी मिर्च पालक है, मैं डाली, सोच रहा तो हाँ पत्ती है। नहीं, पालक कटी हुई है बारीक, तो बिल्कुल सारे न्यूट्रिशंस अरे इसमें, पूरा मेरे को प्रोटीन है, विज्ञान, एक एक चीज उसमें, हाँ, कोई वैसा नहीं, मैं धनिया सोच रहा था नहीं, हरी लेकिन। मिर्ची है, पालक है, प्याज है, टमाटर है, तो ये एक अब पूरी मेरे को दिन में पौष्टिक बहुत थाली बहुत टाइम हो गया है ना, जल्दी जी, खा लेता हाँ। हूँ। और मीठा में हमने भैया को ये गजक खिलाई है, तिल है, तिल की नहीं, मैं गजक मीठा है। नहीं खाता, मीठा उठा नहीं खाऊंगा दोस्तों। ये भोजन नाश्ता बहुत और पौष्टिक होता है, खाना चाहिए, भैया है ना? चूंकि चाय कॉफी भी नहीं पीते, हमको लगा कि ये सौंफ सुपारी भी नहीं खाते होंगे, तो हमने इनको आंवले की कैंडी,
ये भी आप जरूर ट्राई, ये घर में खाना चाहिए और खासकर जब फ्री का मिले दूसरे के यहाँ तो और खाना चाहिए। नहीं। और इस सबके मार्गदर्शक हमारे आरोग्य श्री नाम के डॉक्टर गजेंद्र अग्रवाल, उनका नाम मत भूलिए, जो उन्होंने सारा ये आयुर्वेद का सबसे छाया है। आप बोलो। हमें तो है मेरा।